हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब आप? आज हम आपको दिखा रहे हैं बोया माइक की अनबॉक्सिंग करके। ये देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका सर दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। चलो देखते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज कर लिया है। अभी हम इसका आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको जल्दी से ओपन करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर दिखाते हैं कैसा है। सबसे पहले ये यहां से खुलेगा, यहां से, उसके बाद ऐसे। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है और इसकी माइक भी ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ये मंगवाया है। इसकी एक्स्ट्रा आवाज नहीं आती। इसके अंदर ये लेदर का है, इसके अंदर माइक है और इसके अंदर ये बोया माइक की एक कार्ड कॉपी है, जिसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, जो भी इसका वो है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ इसके सामान है, ये दिखा रहे हैं हम आपको। इसके अंदर एक ये कैप है जो कि माइक के ऊपर लगेगी, ताकि एक्स्ट्रा आवाज ना सुनाई दे। एक इसके अंदर ये सेल है जो घड़ी के शॉप पर भी मिल जाएगा, अगर खराब हो जाता तो। वैसे ये खराब नहीं होते। एक ये है पिन है जो कि कॉलर में लगती है। एक ये एडेप्टर है जो कि एम्पलीफायर में लगता है और इसमें लग जाती है। उसके बाद ये लेदर का बहुत अच्छा ये वो दिया हुआ है इन्होंने, पोट लीजिए, टाइट हो जाएगी। ये देखो खुल भी जाती है। इसके बाद हम आपको बोया माइक निकाल के दिखा रहे हैं। ये आ गया हमारा बोया माइक। इसकी तार 20 मीटर की लंबी है। अगर आप स्टैंड पर फोन को रख के यहाँ तक दूर तक बनाओगे तो तभी भी वॉइस बहुत क्लियर ही आएगी आपकी। इसकी खासियत यही है, आप ये देख सकते हो। ये देखो, इसमें एक ये है, इसके अंदर ही सेल लगता है। इसमें दो वो है, ऑप्शन है। अगर हम ऊपर करेंगे तो हमारे DSL कैमरा चल जाएगा, अगर फोन से रिकॉर्ड करेगा तो हमें ये नीचे ही रखना पड़ता है। ये बटन है इसमें, ये ऊपर नीचे करने का है। अगर हम कैमरा DSL कैमरे में लगाते हैं तो हमें ये सेल डालने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही ये फोन में चल जाएगा। अब जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, उसकी साउंड इसमें मेरे मोबाइल में आई हुई है, मोबाइल से कर रहा हूँ। जो अगली साउंड आप सुनोगे वो इस कैमरे से आएगी। तो अभी हम इसकी साउंड आपको सुना रहे हैं। आपको ये इसकी आवाज कैसी लगे या लगे तो हमें कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। बोया माइक लगा लिया है अपने कॉलर पर। अब इसकी जो साउंड की आवाज आने लग रही है वो इसी से रिकॉर्ड हो रही है, माइक से। अब आप देख सकते हो कि इसकी आवाज और साउंड कैसी है, ये हमें कमेंट में कर जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। रही इसकी बात की कॉस्ट की, प्राइस की, अगर आप ऑनलाइन प्राइस कर ऑनलाइन परचेज करते हो तो इसका कंपनी जैसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से अलग अलग प्राइस करती है। अगर लो BYM1 ही लेना, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी में आता है, सबसे अच्छा है माइक है ये। इसकी कॉस्ट प्राइस उससे 825 रुपए की पड़ती है। अगर आप मंगवाना चाहोगे तो मैं इसका लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी बोया माइक की ओपनिंग की? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है या बुरी लगी है तो कृपया मेरे कॉमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नए गैजेट के साथ, या फिर और कहीं टूरिस्ट वगैरह या फिर चोर बाजार पे। मिलते हैं, चलते हैं। ओके, बाय।